संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। के कारण से ही सम्यक दर्शन लंबे समय तक टिकता है। अब ये इस कर्म का देखो कितना बड़ा उपकार है। देव गति में हो, चाहे नरक गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो, चाहे तिर्यंश गति में हो, अगर कोई लंबे समय तक, सागरोपम काल तक, पल्ल्योपम काल तक, हजारों वर्ष तक कोई सम्यक दर्शन टिका है तो कौन सा? यही छह उपशम सम्यक दर्शन है ना। तो ये आपके लिए सरलता से भी मिलता है ना, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। उपशम सम्यक दर्शन होने के बाद अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो ये लंबे समय तक आपके परिणामों में सम्यक्त्व के भाव को बनाए रखता है। तो आराम से मिलता है और लंबे समय तक रहता है। क्या समझ आ रहा? यही फायदे की चीज है ना। जो चीज हमको कम मेहनत से मिल जाए और उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है लॉन्ग लाइफ तक रहे तो वही चीज तो हम लाइक करते हैं। तो बस, तो तीनों सम्यक दर्शन में अभी आपको किस सम्यक्त पे ध्यान देना? क्षयोपशम सम्यक्त पर, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। संयमा संयम और संयम, ये भी क्षयोपशम भाव बताए गए थे, है ना। सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च, जो सूत्र के अंत में लिखा है। तो चारित्र का मतलब क्या है? जो चारित्र महाव्रतों के साथ होता है उसको यहां पर चारित्र कहा गया है ना। अब हम इस चारित्र के क्षयोपशम भाव को समझने के लिए भी थोड़ी सी कसायों के बारे में हम जानकारी ले लें। पहले प्रकार की कसाय कौन सी बताई थी? अनंतानुबंधी कसाय, ठीक है ना, क्रोध मान माया लोभ। इसके बारे में हम समझें कि यह जो अनंतानुबंधी कसाय है यह क्या काम करती है? ये तो सम्यक दर्शन का घात करती है। यद्यपि यह कसाय चारित्र मोहिनी के वंश की है लेकिन घात किसका करती है? सम्यक दर्शन का, है ना। तो इसके नाश होने पर कोई चारित्र प्रकट नहीं होता किंतु इसके नाश होने पर सम्यक दर्शन ही रहता है। सम्यक दर्शन में ही ये सहायक है। इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अनंतानुबंधी कसाय का भी उपशमन होना चाहिए और अगर क्षयिक सम्यक दर्शन है तो अनंतानुबंधी कसाय का भी क्षय होना चाहिए, है ना। क्षय उपशम है तो भी ये दबी रहनी चाहिए। तो मतलब अनंतानुबंधी कसाय का रोल किसमें है? सम्यक्त्व की उपलब्धि में। तो अनंतानुबंधी कसाय किसका घात करती है? सम्यक्त्व का। सम्यक दर्शन नहीं होने देने का काम किसका? मिथ्यात्व का भी है और अनंतानुबंधी कसाय का भी है। तो हम पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि जो अनंतानुबंधी आदि कसाय हैं इनके काम क्या हैं, है ना। तो अनंतानुबंधी कसाय का कार्य है सम्यक्त्व का घात करना, ये नोट करके रखना, है ना। अच्छी बात है, कुछ बताने जा रहा हूं आपको, तभी आपको कुछ कर्म सिद्धांत की व्यवस्था समझ में आएगी। फिर आगे की कसाय है अप्रत्याख्यान कसाय। क्या बोलते हैं? अप्रत्याख्यान कसाय। ये भी क्रोध मान माया लोभ के वेश से चार प्रकार की हो गई। इस कसाय के माध्यम से भी कुछ घात होता है, आत्मा के गुणों का घात होता है। तो कौन सा आत्मा के गुणों का घात होता है? इसका नाम है अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान माने होता है त्याग और अ माने ईसत, माने थोड़ा त्याग। तो जो कसाय हमें थोड़ा भी त्याग न करने दे या जिस कसाय के उदय में हमारे अंदर थोड़े भी त्याग के परिणाम पैदा न हो उसका नाम है अप्रत्याख्यान कसाय। समझ आ रहा है? ये सभी कसायें हमारी आत्मा के गुणों का घात करने वाली हैं।
तो अप्रत्याख्यान कसाई ने क्या आत्मा के गुण का घात किया? आत्मा का गुण क्या था? त्याग भाव, संयम भाव। लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा? तो हमारे अंदर ये कसाय है ना, और इस कसाय में भी जो हमने कल आपको बताया था कि दो प्रकार की शक्तियां हैं, अनुभाग शक्तियां, एक सर्वघाती और एक देशघाती। तो जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनके उदय के कारण से हम कभी भी उस से विपरीत जो गुण है उसका लाभ नहीं ले सकते, है ना। तो जब ये अप्रत्याख्यान कषाय है तो ये भी सर्वघाती है। अनंतानुबंधी कषाय भी कैसी है? ये भी सर्वघाती स्पर्धक को रखती है। अप्रत्याख्यान कषाय के भी स्पर्धक सर्वघाती हैं। आगे आने वाली प्रत्याख्यान कषाय उसके स्पर्धक भी सर्वघाती हैं। माने इन कषायों के उदय में आत्मा के जो गुण का ये घात कर रही है उसका थोड़ा भी प्रकटीकरण नहीं हो सकता, माने वो गुण थोड़ा भी प्रकट नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी के उदय में सम्यक दर्शन रह नहीं सकता। अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में आत्मा में थोड़ा भी त्याग का भाव आ नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अगर आप थोड़ा भी त्याग करोगे, थोड़ा भी आप नियम लोगे, थोड़ा सा भी आप संकल्प लोगे, तो आपके अंदर यह कर्म की शक्ति कमजोर होनी चाहिए, तभी आप ले पाओगे। कौन से कर्म की? अप्रत्याख्यान कषाय की, है ना। तो ये कषाय की शक्ति कम होने पर ही व्यक्ति थोड़ा सा व्रत ले पाता है। यहां थोड़े व्रत का मतलब वो नहीं है कि हमने रात में भोजन छोड़ दिया कि पिज्जा बर्गर छोड़ दिया, समझ आ रहा है, कि नेल पॉलिश लगाना और लिपस्टिक लगाना छोड़ दिया, ये त्याग नहीं है। यहां अप्रत्याख्यान कषाय में कौन सा त्याग आएगा? जो 12 व्रतों के रूप में त्याग होता है, जिसे हम प्रतिमाओं का ग्रहण करना कहते हैं, जो श्रावक के व्रतों का निर्वाह करने के लिए व्रत लिए जाते, उस त्याग को कहा जा रहा है ना। चूंकि वह त्याग भी थोड़ा ही कहलाता है, पूर्ण त्याग तो किया नहीं है ना, तो वह त्याग भी जो सम्यक दर्शन के बाद होएगा, उस त्याग को वह तभी कर सकेगा जब उसके अंदर अप्रत्याख्यान कषाय के सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव होएगा, है ना। तो अनंतानुबंधी का कार्य क्या? सम्यक्तु का घात करना। और अप्रत्याख्यान कषाय का काम क्या? एक देश त्याग नहीं होने देना, थोड़ा त्याग जो व्रत के रूप में होता है, देश व्रति के रूप में होता है, उससे नहीं होने देना। ये कौन सी कषाय काम कर रही है? इसका नाम क्या? अप्रत्याख्यान कषाय। समझ आ रहा है? ये सब कषायें क्रम क्रम से ही काम करती हैं, है ना। ये भी समझ सकते हो कि इन चार कषायों में, कौन सी चार कषाय? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, है ना। ये चार उसकी अलग अलग वैरायटी हैं। तो इन चार कषायों में यदि पहली वाली कषाय है तो समझना कि आगे की तीनों कषाय नियम से हैं, है ना। अनंतानुबंधी कषाय का उदय चल रहा है तो माने अप्रत्याख्यान का भी है, प्रत्याख्यान का भी है, संजुलन का भी है। अगर अनंतानुबंधी का अभाव हो गया तो किसका नंबर आ गया? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये सब कषाय का उदय एक साथ रहेगा। अप्रत्याख्यान का अभाव हो गया तो कितनी बची? प्रत्याख्यान और संजुलन, और प्रत्याख्यान का अभाव हो गया तो बची संजुलन कषाय। समझ आ रहा है? ये क्रम क्रम से चलता है। तो इसलिए पहले अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होएगा, सम्यक दर्शन होएगा। फिर अप्रत्याख्यान कषाय का अभाव होएगा, देशव्रत आएंगे। फिर प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, है ना, ये कषाय आ जाती है तीसरे नंबर पर। इसका काम क्या? प्रत्याख्यान माने त्याग, पूर्ण त्याग, पूर्ण प्रत्याख्यान। ये कषाय के उदय में वह जीव कभी भी पूर्ण त्याग नहीं कर सकता। किस कषाय के उदय में? प्रत्याख्यान कषाय के फल से उसके उदय में। तो प्रत्याख्यान आवरण कषाय का काम क्या? संयम का घात करना। कौन सा संयम? सकल संयम। देश संयम का घात करना किसका काम? अप्रत्याख्यान कषाय का। याद कर लो, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, छोटी सी चीज है, बार बार घुमा घुमा के कह रहा हूं। सकल संयम का घात करना किसका काम? ये प्रत्याख्यान कषाय का।
ठीक है ना। तो प्रत्याख्यान कषाय का भी अगर अभाव हो गया, सकल संयम ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्याख्यान कषाय का अभाव हुआ। अब कौन सी बची, संजुलन क्रोध मान माया लोभ। अब ये कषाय संयम के साथ बनी रहती है, और ये इस कषाय का काम क्या है, इस कषाय का काम है यथाख्यात चारित्र नहीं होने देना, जो कि ग्यारहवें गुण स्थान में होता है। तो वहां तक के लिए ये कषाय चलेगी, दसवें गुण स्थान तक, और वहां तक जो है जो यथाख्यात चारित्र नहीं होगा उसके लिए ये बाधक बनेगी, लेकिन सकल संयम का पालन करने में संजुलन कषाय कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी। तो हर कषाय का कार्य समझ में आ गया, आ गया, चार ही तो बातें थी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। अब देखो, जब परिभाषा बनाई जाती है तो आपको ये सब जानकारी में रखोगे तभी आप एक संयमा संयम की या संयम की जो छायोपशमिक भाव के साथ में परिभाषा बनेगी वो आप समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये सब मिलाकर के कषाय कितनी हुई, 16, चार चौको 16, क्रोध मान माया लोभ के भेद से चार चौको 16 हो गई। 9 कषाय होती हैं, है ना, जिन्हें हम थोड़ी छोटी कषाय कहते हैं, छोटी कषाय कहते हैं, वो 9 कषाय होती हैं। कौन कौन सी, हास्य रति, ये जोड़े हैं इनके, पेयर हैं, है ना, हास्य रति, अरति शोक, भय जुगुप्सा, ये तीन तीन के, ये दो दो के तीन जोड़े हो गए, ठीक है ना। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, हो गई 9 कषाय, ये 9 कषाय होती हैं। अब देखो परिभाषा को अगर आप समझोगे तो क्षयोपशम भाव, जैसे हमने सम्यक्त की परिभाषा में समझा, ऐसे ही हम संयमा संयम की परिभाषा में भी समझें, ठीक है ना। देखो पहले किसकी समझना, चारित्र पहले आया ना, तो पहले संयम की परिभाषा समझते हैं। चारित्र, चारित्र भाव कब होएगा, अब आप खुद भी बता सकते हो, चारित्र भाव कब होएगा, चारित्र भाव के लिए किन किन कषायों का अभाव आवश्यक है, सकल चारित्र, अनंतानुबंधी का भी, प्रत्याख्यान तक पहुंचो तो, पहले पहुंचोगे तो क्रम से ही, एकदम से प्रत्याख्यान पकड़ में थोड़ी ना आ जाएगी, है ना। ये तो चार कषाय ऐसे समझो, हमारे आत्मा में चार दरवाजे लगे हैं, एक एक दरवाजा तोड़ करके खोल करके आपको अंदर जाना है, तब आपको कुछ संयम मिलेगा, कुछ आपको चारित्र गुण की महक आएगी, समझ आ रहा है। ट्रेजरी तो अंदर है, और वो कितने दरवाजों में बंद है, हाँ, तो वो कम से कम 3 दरवाजों के बाद आपको ट्रेजरी देखने को मिलेगी, समझ आ रहा है। खजाना आपको कितने दरवाजों के बाद मिलेगा, 3 दरवाजे पार करो, तो एकदम से 3 दरवाजे को ताला नहीं तोड़ पाओगे, है ना। चारित्र लेना तो क्या करना, प्रत्याख्यान को तोड़ दो, प्रत्याख्यान टूटेगा उससे पहले अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी भी टूट जाएगा, है ना। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये कितनी कषाय हो गई, 12 कषाय हो गई, ठीक है ना। इन 12 कषायों का, अब देखो सिद्धांतिक भाषा में बोलना सीखो, क्या बोलना है, कल आपको बताया था ना, सर्वघाती स्पर्धकों में क्या होता है, क्षयोपशम भाव घटित करना, इन सबके सर्वघाती स्पर्धकों को लेकर के हम क्या करेंगे, इनका क्षयोपशम करेंगे। तो कैसे करेंगे, इन 12 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय, माने उदय में नहीं आने देना, इनके उदय में आने का इनके लिए अभाव कर देना, ये करना, और इनकी जो अवस्था है जैसी दबी हुई अवस्था है वैसी दबी हुई अवस्था बनी रहना, सद अवस्था उपशम, ये कर दिया तो इधर उसका क्षय भी हो रहा है और इधर उनका उपशमन भी है, तो इसका नाम क्या हो गया, क्षयोपशम। आई बात समझ में, फिर से बोलो, 12 कषायों के, देखो बड़ी कठिन चीज है, मान रहा हूं मैं बहुत कठिन चीज है, लेकिन आप ये भी तो मानो कि हम सीख रहे हैं, हम आपको सिखा पा रहे हैं और आपकी मतलब बुद्धि में आ रहा है, एक बार तो लाना ही पड़ेगा, कोई भी कठिन चीज होती है तो एक बार तो सीखना ही पड़ता है ना, है ना। तो 12 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों का
उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम होना, ये तो एक काम हो गया, ठीक है ना। अब जब इतना काम हो गया, ये तो दब गए, कुछ उदय में तो रहेगा, फल किसका मिलेगा? तो जो बची कसाय है, कौन सी बची? संजुलन। उस संजुलन कसाय में सर्वघातीपना नहीं होता, उसमें देशघाती स्पर्धक होते हैं, है ना। एक तरीके से स्पर्धक तो उसमें दोनों भी हो सकते हैं, देशघाती सर्वघाती, क्योंकि देशघाती वो प्रकृति है। तो उसके जो देशघाती स्पर्धक हैं, उन देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा, कसाय का उदय तो रहेगा ही। जो सकल चारित्र ले लेगा उसमें भी कसाय का उदय है कि नहीं होता? होता है। कौन सी कसाय का उदय होता है? संजुलन का उदय होता है ना। तो संजुलन कसाय का उदय, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी नौ नौ कसाय हैं, उनमें से भी किसी भी कसाय का उदय रह सकता है। इतना सब होने पर जो उसके लिए चारित्र भाव प्रकट होएगा, उसका नाम कहलाएगा क्षयोपशम चारित्र। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने कर्म सिद्धांत के अनुसार कषाय की व्यवस्था को समझा। अनंतानुबंधी कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ सम्यक दर्शन का घात करती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अनंतानुबंधी कषाय का भी उपशमन या क्षय होना चाहिए। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दर्शन होने नहीं देती। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग और अ मतलब ईशत, जिसका अर्थ है थोड़ा त्याग। अतः अप्रत्याख्यान कषाय हमें किंचित त्याग के परिणाम उत्पन्न नहीं होने देती। यह देश संयम का घात करती है और 12 व्रतों को धारण नहीं करने देती, यानी प्रतिमाओं को ग्रहण नहीं करने देती। प्रत्याख्यान कषाय का सद्भाव महाव्रत धारण नहीं करने देता, इससे सकल संयम का घात होता है। ये तीनों प्रकार की कषाय हमारी आत्मा में त्याग भाव, संयम भाव का घात करती है और इनके स्पर्धक सर्वघाती है। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय क्रम क्रम से ही काम करती हैं और क्रम से ही इनका अभाव होता है। यदि अनंतानुबंधी का उदय है तो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय का भी होगा। अनंतानुबंधी का अभाव होगा तब सम्यक दर्शन होगा, अप्रत्याख्यान का अभाव होगा देश बताएंगे, और प्रत्याख्यान का अभाव हो गया तो सकल संयम होगा। यदि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान तीनों का अभाव हो गया तो संजुलन कषाय बचेगी। यह कषाय संयम के साथ बनी रहती है और यथाख्या चारित्र नहीं होने देती। यह कषाय 10वें गुण स्थान तक रहती है और वहां तक यथाख्या चारित्र नहीं होने देती। चार कषाय हमारे आत्मा में चार दरवाजे हैं, जिन्हें क्रम से खोलकर तोड़कर ही संयम की प्राप्ति होगी। सैद्धांतिक भाषा में 12 कषायों यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के चार चार भेद क्रोध, मान, माया और लोभ के सर्वघाती स्पर्धकों में क्षयोपशम भाव घटित होगा। इन 12 कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होने से और उपशमन होने से क्षयोपशम चारित्र होता है। बची हुई संजुलन कषाय देशघाती प्रकृति की है, इसमें दोनों देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक हो सकते हैं। सकल चारित्र लेने के पश्चात संजुलन कषाय का उदय रहेगा और उसके साथ साथ जो भी नौ कषाय हैं, उनमें से किसी भी कषाय का उदय रह सकता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्मानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सृजिन वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जन मन हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई,
राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई।